ओके मेरे दोनों थाली तैयार हो गए। ऐसा ट्रेडिशनल बहुत ही ज्यादा पसंद है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिकास कुकर्स एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। इस आशा के साथ ही आज के ब्लॉग की, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज फ्राइडे है, आज मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन है। मैंने लास्ट शुक्रवार को आपको बताया ही था। तो आज आपको बहुत ही अधिक अच्छे क्लिप देखने को मिलेंगे। आज मेरा देवी का तो मैं आपको सजावट दिखाऊंगी, साथ ही आज हल्दी कुमकुम है तो मैं सारे मेरे फ्रेंड्स को बुलाई हूँ। मैं ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, मैंने माधव मेरा मेरे जो बिल्डिंग के इधर आसपास में जो रहते हैं उन्हीं को बुलाया, और बाकी जो बहुत सारे हैं तो उनको सबको मैं गणपति में बुलाती हूँ, क्योंकि बहुत रश हो जाता है ना, इतना करने को नहीं होगा, मुझे भी होना चाहिए उस हिसाब से। तो वो सब क्लिप आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सारे फ्रेंड्स से मिलवाऊंगी और मेरी तैयारी देखने को मिलेगा। अभी तो मैं सादी लाल साड़ी ऐसे पहन ली हूँ, देखिए, मतलब अभी पूजा के लिए पहनना चाहिए ना, और आज लाल कलर का ही महत्व रहता है, तो दैट्स व्हाई बाद में शाम को मैं अच्छी तैयारी करने वाली हूँ। और जो भी खाने का रहेगा, नो ऑनियन गार्लिक का जो थाली रहेगा वो दिखाऊंगी, और खीर दिखाने वाली हूँ। सारे फ्रेंड्स को मैं खीर दूंगी, आज के दिन खीर दिया जाता है, तो खीर ज़्यादा किस तरह से बनाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। तो बस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो आइएगा, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। और मैंने जैसे बताया, मैंने चैलेंज लिया है, तो जो न्यू है और जिन्हें मालूम नहीं है तो पूरा ब्लॉग देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा मैंने क्या चैलेंज लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको आगे चल के बहुत ही न्यू चीज़ें सीखने को देखने को मिलती ही रहेगी डेली ब्लॉग्स के रूप में। तो ये मेरे चांदी के जो बर्तन है वो सब साफ़ कर रही हूँ मैं, तांबरी से चांदी साफ़ करने का जो रहता है उससे ही साफ़ करती हूँ मैं हमेशा, थोड़ा सा लाल पड़ जाता है इसलिए। देखिए पूरे साफ़ हो गए हैं एकदम अच्छे से, उसकी पूजा हो गई है। ये थोड़ा सा दर्शन करवा देती हूँ आपको, और अभी मेरे महालक्ष्मी माता का पूजा करती हूँ मैं। और ये मैंने घर के बाहर का जो मेरा मेन डोर है वो सजाने को लिया है, तो मुझे ना ऐसे फूलों से सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे भी पहले के ज़माने में देखिए फूलों से ही सजाया जाता था घर के आंगनों को, तो जल्दी भी होता है, मेन तो ये है कि जल्दी भी हो जाता है और मुझे पसंद भी बहुत है। जो गेंदे की जो खुशबू आती है ना तोड़ने के बाद में, बहुत ही मन को प्रसन्न करती है। देखिए मेरा पूरा आंगन सज गया है। और ये महालक्ष्मी माता का गाना लगाया था ना, वो इतना अधिक मन को प्रसन्न करा था, लेकिन अभी इसमें कॉपीराइट आएगा करके मैंने यहाँ म्यूज़िक डाल रही हूँ, लेकिन ये सब के साथ में भगवान का गाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं महालक्ष्मी माता का जो मेन प्रसाद है खीर, वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है, ये खीर में डालने के लिए नारियल फोड़ा है मैंने, ये 1 कटोरी भीगा चावल से पीस लेना है। तो देखिए इस तरह से पानी डाल के मैंने पीस लिया है, इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है और इसे दूध में डाल देना है, तो जिससे ना ये चावल थोड़ा सा पकने लग जाएगा, और हम बार बार हिलाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगा, तो हम बार बार आपका हाथ चलते रहना चाहिए। और ये नारियल आधा ही ले रही हूँ मैं, एक नारियल में से आधा रख दिया है, इसे भी टुकड़ा करके मिक्सर में पीस लिया। तो देखिए इस तरह से पीस के अब इसको भी मैं दूध में डाल दे रही हूँ, और बीच बीच में हिलाते रहना है, तो जिससे ना नीचे लगता नहीं है। थोड़े काजू बादाम लिया है, इसे भी पानी डाल के दरदरा पीस लिया है, डाल दिया, और शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना मीठा आप खाते हैं। तो मैंने 2 कटोरी या 1.5 कटोरी के करीब शक्कर डाला होगा, और इसमें केसर डाल रही हूँ थोड़ा, तो जिससे सुगंध और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इलायची पाउडर भी डाला है, और ये एक इलायची भी डाल रही हूँ, तो इससे ना अलग से वो छिलके का टेस्ट आ जाता है। तो खीर हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही डिलीशियस बनी थी गाइस, देखिए एकदम मस्त। और अब मैं ये ना हल्दी कुंकू के लिए सजाने को ले रही हूँ, जो टेबल जहाँ पे मैं हल्दी कुंकू का सब सामान रखने वाली हूँ उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इसे गुलाब से सजा दिया था। आज गुलाब का महत्व है, लाल कलर का महत्व है, तो जितना अधिक हो सके उतना, जैसे लक्ष्मी माता हमारे घर आएगी उस तरह प्रसन्न करना है उन्हें। तो देखिए इस तरह से मैंने टेबल सजा दिया था, तो बस अपने से जितना हो सकता है उतना मैंने करने की कोशिश की है। ये कटोरी लाई हूँ उनको देने के लिए, और वैभव लक्ष्मी की पुस्तक दिया जाता है तो वो लिया है, और ये गुलाब है जो सारे लेडीज़ लोग को दूंगी, केला दिया जाता है केली साथ में फल के रूप में, तो बस इस तरह से ही है। इसमें वेफर के पैकेट है और ग्लास है खीर के लिए, और समोसे बाद में लेके आएंगे, ऑर्डर दिया है।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन राधिकास कुकर्स इन लास्ट टाइम। मैं हूँ राधिका पाटिल और आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज वैभवलक्ष्मी का मेरा उद्यापन है। मैंने कल के मेरे ब्लॉग में बताया ही था, बहुत अधिक अच्छा लग रहा है। ये मेरी तैयारी है। तो एक मिनट थोड़ा नीचे करती हूँ, मतलब आपको दिखेगा। तो आज के दिन लाल कलर की साड़ी पहनी जाती है और ये जो साड़ी ना मेरी महालक्ष्मी के गणपति की, इसमें हमारी महालक्ष्मी आती है, उनके लिए मैंने ये साड़ी ली थी लाल रंग की। तो वो आज मैं पहन ली हूँ, फर्स्ट टाइम आज पहनी हूँ देवी की साड़ी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पूरा जो मेरी सहेलियों को बुलाया है मैंने वैभवलक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी के रूप में उनका हल्दी कुमकुम करूंगी, उनको जो वर्ण रहता है वो दूंगी, वैभवलक्ष्मी की पुस्तक है वो दूंगी, और भी जो जो है वो सब आगे चल के आपको दिखाते जाऊंगी मैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो आपको मेरी मैं पूजा भी दिखाती हूँ और फिर उसके बाद में आगे का भी जो है बहुत सुंदर क्लिप रहेगा, देखते रहिएगा, बने रहिएगा, चलता रहेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू दिखाते रहूँगी मैं आपको। और फिर आज मेरे जो वेज थाली है, जो विदाउट नो ऑनियन गार्लिक की थाली रहेगी, वो दिखाऊंगी। खीर का तो आपने देख ही लिया है, ये सारे लोगों को है। उसके बाद उनको देने के लिए मैंने समोसे लाए हैं और वेफर्स हैं, और वो जो कटोरियाँ बताई थी आपको मैंने, वो कटोरी है बस। ये ऐसी सब अपनी इच्छा से दिया जाता है, किया जाता है। खीर का प्रसाद पहले दूंगी। तो चलिए बने रहिएगा। और हाउ आई एम लुकिंग, गजरे भी लगा लिए, देखिए मैंने सुंदर से मस्त। ऐसे गजरे वगैरह लगाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे हमारी जो महाराष्ट्रन तैयारी बहुत ही सुपर्ब है, करेंगे तो बहुत अधिक अच्छे से परिपूर्ण एक नारी दिखती है। तो मुझे तो ऐसा ट्रेडिशनल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत बार बताया भी है। तो चलिए अभी बाहर का दिए वगैरह। आंगन को तो मैंने सजा दिया था, खाली दिए लगाना बाकी था। तो शाम को 6 बजे, शाम के टाइम में दिया बाहर लगाया जाता है, तो ये मैं दिए लगा रही थी। और मैंने सबको 6 बजे का ही टाइम दिया था लेडीज़ लोगों को आने का, तो बस अब उन्हीं का इंतजार कर रही थी। पूरी तरह से मेरी तैयारी हो चुकी थी, मैं पूरी तरह से रेडी थी। ये सारी लेडीज़ आने के पहले एक बार महालक्ष्मी माता को मैंने हल्दी कुंकू लगाया, और उसके बाद फिर बाकी की जो लेडीज़ आएंगी तो उनको हल्दी कुंकू स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज पूजा दोपहर को कर लिया था तो शाम की जो पूजा रहती है वो एक करनी रहती है। दिया आई आज, सबसे पहले दिया पटेल आ गई है। सबसे पहला नंबर इसी का लग गया। लक्ष्मी आई है, आई है, पधारी है। रेशमा डार्लिंग आ गई भी। बस मजे में। कैसे हो बच्चे? मजे आना घर पे। मेरे घर आ रही है, आ गई भैया अभी, और दूसरे मेरे खास मैत्र वाली लक्ष्मी आ गई है। आजा 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 देख लो भाई, नमिता रानी को देख लो, ये एक बार हल्दी कुमकुम, उसमें दूसरा हल्दी कुमकुम, इसके बिना हम लोग को मिलना होता ही नहीं। बहुत प्यारी आई आई, बड़ी बड़ी लक्ष्मियाँ मेरे घर में आ रही है भाई, बहुत अच्छा है। मिल लीजिए, हमारे बिल्डिंग की लक्ष्मी है। ये हमारी प्यारी सी लक्ष्मी आ रही है। सोना डार्लिंग, वीडियो डाल।
नमो रानी देखिए हमारी कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी बिल्डिंग की महालक्ष्मी माता। आ जाओ वेलकम वेलकम। तो बहुत सारे फाइटिंग बहुत सारे मेरे फंक्शन में रहती है। अर्चना बेस्ट फ्रेंड है। महालक्ष्मी माता का फर्स्ट टाइम मेरे घर में एंट्री हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम कर ऋतुजा फिर ऐसे ट्रेंड आया है कि दो दो हो रहे हैं। अरे पार्टी कब दे रहे हो? बहुत अच्छा लगा। उसमें कुछ करो। अभी दिल्ली जाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट टाइम लगता है कि मेरा जो बिजनेस है मैंने मना दिया। देखो तूने चॉकलेट मना ली सारे डेज। फिर तो इसको वैलेंटाइन डे की बच्ची नहीं बोलते। कोई भी प्रोग्राम हुआ उनका पहले ये डाल कर उसका छुट्टी जाती है ना आराम जाते हैं। फंक्शन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सब आए बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग सबका। अभी और 15 लोग हैं वो लोग आएंगे धीरे धीरे। तो ये ऐसे मेरा तो मतलब मैं भाग्य समझ रही हूँ कि हमारा ये पौष महीने में मेरा ये 11वां हुआ वैभव लक्ष्मी का। तो ये हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। ये गुलाब के फूल दिए जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी का रूप है ये लोग। ये लक्ष्मी का रूप है ये लोग इसलिए गुलाब के फूल दिए जाते हैं। और जो मैं वैभव लक्ष्मी का पुस्तक लाई हूँ वो व्रत का उद्यापन के लिए देता। तो इस तरह से ये प्रचार के लिए रहता है। जैसे मुझे भी मैं जब 10-15 साल पहले किसी ने बुलाया था तो वो पुस्तक पढ़ा मुझे अच्छा लगा मैंने चालू कर दिया करना। तो इस तरह से रहता है। और ये मान बोल के कुछ भी अपने मन से दे सकते हैं। तो अभी संक्रांत का चल रहा है तो मैं इसलिए ये बॉन्ड लेके आई हूँ। मतलब ऐसा कुछ जो भी अपनी इच्छा रहे वो दे सकते हैं। हाँ वो वैशाली का होता है ना कल का वैसे भी तैयारी है। अचानक काफी लोग थे ऐसे ये ले ले पहले से खीर को ले ले। तो ये खीर का प्रसाद है। पहले ये प्रसाद दे रही हूँ और फिर उसके बाद में फिर जो बाकी का जो नाश्ता है वो दूंगी। मैं तो तैयार हूँ बेचने के लिए। बिल्डिंग की मेन लक्ष्मी आ जाओ आ जाओ। सारे कलर शेड्स हो गए या फिर उनसे कहीं बैठ जाओ। मैं और चेयर लेकर ब्रेकफास्ट खटना नहीं लगता बिल्कुल ठीक है ना। तो प्रसाद प्रसाद दिया सबको हुआ ना प्रसाद। कौन आया?
ये हमारे यहाँ की डॉक्टर लक्ष्मी आई है। डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर लक्ष्मी असली लक्ष्मी के घर पे आई है। नहीं है एक चॉकलेट जो हल्दी कुंकू में हमारा सबका मिलना होता है। हाय कर लो। हाय नहीं आऊंगी ऐसा नहीं अगर वो फिर कर दिया तो मैं चेयर दे दूंगी। अच्छा रानी क्या कर रही है? मीना भाभी चल लवली माय रानी। हाय आंटी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थोड़ा रेड कार्पेट जैसा पोज कर। अरे मम्मी ब्यूटी क्वीन दिख रही है आजकल। नहीं दिख रही है ब्यूटी क्वीन बहुत सुंदर दिख रही है। वजन में कितने लग रहे थे और ऐसे देखो कितना लग रहा था। और पोता क्या बोलते हैं? हां ये हमारा अपना ये है ना ये नहीं बोल रहे हैं बस प्यारे दिन बहुत सारे इंसान ये हमें झूठ बोल रहे हैं। सेम है आपको बोल रहे हैं प्यारे बोल रहे हैं दोनों इनको बोल के हो गया कि आपको बोल रहे हैं तो पोता का झूठा खिलाया उसे उनसे बात करते थे बोलते हैं बहुत प्यारे लक्ष्मी सब लगाना है में मीना दीदी हमारे भी निकालो। हाँ एक मिनट मैं ले लेती हूँ। और क्या निकालेगी? बैठ ये हमारी क्या बोलना चाहिए टीचर लक्ष्मी। टीचर लक्ष्मी आई टीचर माँ लक्ष्मी आ गई है। थोड़ा उसने मुझे बताया था कि थोड़ा लेट होएगा। इनका भी वैभव लक्ष्मी है तो इसलिए करके पूजा करके फिर अभी आई हूँ इसके लिए सॉरी गाइस। महालक्ष्मी माता की लक्ष्मी प्यारी प्यारी लक्ष्मी आई भाई देख लो कौन सा रील लगाती है। आधे तो चले गए आधे लोगों को बोल रही बहुत दिल से अच्छा लगा इतना आधी खुशी मिल रही ना मुझे। धन्यवाद धन्यवाद आपने हमको बुलाया और हम लोग आए। माता रानी ऐसे ही आपके ऊपर असीम कृपा बरसाए रखे और हम सबको बुलाती रहे। वैभव लक्ष्मी कन्या इसको भी सबसे लास्ट में मैं ना सब लिस्ट बना दी उसमें देखो जो वैभव लक्ष्मी जो करती है उनको बरबर देखने बुला लिया। कौन रह गया राजभवी के कौन राजभवी के घर वाले पम्मी रह गई। थैंक यू हर लक्ष्मी के हर क्योंकि ये लक्ष्मी के हर फंक्शन में रहती है मेरे हर हल्दी कुंकू में आती है तो फिर इसको तो बुलाना ही था भाई। बुलाने के लिए बार बार बुलाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ कहीं सीखा होगा ठीक है। नहीं मैंने सिखाया इन्हें बस कर अभी प्रसाद देती हूँ मैं सबको सब मिल गया ईमान मिल गया। थैंक यू मीना भी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सब आए। आपकी बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू हर साल ऐसे बुलाइए हम बिल्कुल हर साल तुम लोग आओ
बहुत अच्छा लगा, सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आना हमको आने में बड़ा मजा आता है, हमको बुलाते रहे तुम आते रहो, हमको बुलाने में बड़ा मजा आता है, हमें आने में बड़ा मजा आता है। हम सांस को आते रहे, सिंगिंग क्वीन, ये सिंगिंग क्वीन है। चलो थैंक यू, हम सास बहू आते रहे, बाकी कोई आया ना। अच्छा सास बहू, अच्छा सास बहू है क्या? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आते रहना मेरे। ये पारुल महालक्ष्मी आमच्या घरी आली भाई, हमारे घरी आई पारुल लक्ष्मी, इतना बड़ा विरुद्ध दे दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। पारुल लक्ष्मी बहुत अधिक पूजा पाठ करती है, बहुत, मुझे लग रहा था, पता नहीं लग रहा था मैं आएगी कि नहीं। बाबा एक बात बोला तो आऊंगी आऊंगी, मंदिर से आई हूँ, मुझे लगा, मुझे लगा 7:30 की आरती करके आएगी मैं, 100% पढ़ना रहता। नहीं नहीं मैं समझ गई, इसलिए मैं बोली ओके आ जाओ, दर्शन कर लो पहले। हाँ दर्शन कर, हमारे रमेश जी बीच में चले गए थे, फिर आ गए, अभी अच्छा लग रहा है। इनको कुछ भी ऐसे खाने पीने का रहेगा देना, मुझे ना बहुत मन को सुकून मिलता है। खा लेना, वो दोपहर वाला कैसे नहीं आया, मैं उनको बताया था मैंने, वो सारे लेडीज लोग को देख के ना डर गया होगा। कल उसको बोल देना ऊपर से ऊपर आके जाना करके। लक्ष्मी के समय ये आए थे, लेकिन मैं उसमें रेडी हो रही थी तो इनको देख नहीं पाई थी मैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, ओके ओके, बाय। तो सारी लेडीज चली गई, अभी पारू भाभी सबसे लास्ट आई थी, वो भी चले गए। बहुत अधिक अच्छा लग रहा है, इतना अधिक प्रसन्न लग रहा है ना, मेरा मन इतना खुश महसूस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। सारी लेडीज बहुत, सब बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी ऐसे मतलब साक्षात लक्ष्मी सब आ गए, मेरे पास शब्द नहीं है बताने को, बहुत बहुत मन को खुशी मिल रही है। और आज मेरे अंकिता और ऋषि का मैरिज एनिवर्सरी भी है, मतलब इतना अधिक अच्छा आज निकल के आया ना दिन, मेरे महालक्ष्मी माता का आज उद्यापन है वैभव लक्ष्मी का, साथ में आज अंकिता और ऋषि के शादी की एनिवर्सरी है, सब एक साथ आ गया है, और ऊपर से आज हल्दी कुंकू का लास्ट दिन है, मतलब शब्द नहीं यार, मजकड़े बोला ला, शब्द नहीं मेरे पास बोलने को, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ऋषि एंड अंकिता, तुम लोग के जीवन में सदा खुश बने रहे, खुशहाली बनी रहे, फलो फूलो, एकदम मस्त रहो, खुश रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये मैं भगवान के सामने प्रार्थना करती हूँ। खूब 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 तुम्हारा खुशी भेटू दे, और तुम्हारा लाइफ एकदम मस्त जाने दो। मैरिज, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा, लव यू बच्चा, लव यू, तुम लोग दोनों को मैं याद कर रही हूँ। थैंक यू मेरा पिल्लो भैया, इसने आज मेरा पूरा वीडियो निकाला, बहुत अच्छा लगा, पास से इतने अच्छे से वीडियो जो निकला है ना मेरे बच्चे की वजह से, नहीं नहीं बोल रही थी मम्मी स्टैंड में रखना, लेकिन फिर किया, सब आए, सबका एकदम मस्त किया, सब सारी लेडीज तारीफ कर रही थी अक्षरा की, सारी सभी यही बोलते हैं कि आपके बच्चे बहुत आगे कर रही है। सच्ची थैंक यू, चलो जाती हूँ मैम। और ये मेरी छोटी लक्ष्मी जिसने बहुत 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 मेरी हेल्प करी, मतलब मेन कैमरा लेने का काम किया, मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प वही रहता है। एक्चुअली ये लक्ष्मी है धनतेरस की पैदाइश। चलो तो मेरा पूरा खाना बन गया हो गया, अभी सिर्फ पूरी बना रही हूँ, टीवी का आवाज चल रहा है, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब आएगा, तो सब बना के ले लिया, अभी खाली पूरी बना रही हूँ, पकौड़े का ही आटा कर लिया, मैं इसकी गिलकी के पकौड़े बना रही हूँ, और आपको सब्जी दिखा देती हूँ, जीरा आलू बनाया है, ये दही भिंडी है, दाल फ्राई हो गया, राइस का कुकर लगा दिया, खीर तो है ही, और अभी ये इसके ये गिलके के पकोड़े के लिए काट लिया मैंने, तो बस अभी पूरी बनाती हूँ गरम गरम, पापड़ तलती हूँ, निवेद दिखाती हूँ, भोग लगाती हूँ भगवान को, बस फिर हो गया।
बच्चे ये पूरा जो खाना बनाया मैंने बिना विदाउट ओनियन गार्लिक है, नो ओनियन गार्लिक है, ये भोग का खाना है जिसमें लहसुन और प्याज दोनों यूज नहीं किया है। पिछले शुक्रवार को मैंने वैसे ही बनाया था, अभी भी वैसे ही बनाया। दो भगवान के लिए, ये महालक्ष्मी माता का है और ये मेरे घर के भगवान के लिए। तो चलो भोग लगा देते हैं। और ये मेरे आज के पूजा का आपको दर्शन करवाया नहीं था तो करवा देती हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए महालक्ष्मी माता का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। तो इस वीडियो के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ में। तो जय हो लक्ष्मी माता की।